अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिफा शाइस लाइफ सेंटर। गाइस, मैं आज आप लोगों को सादा पजामे के ऊपर कट कैसे बना सकते हैं आसानी से, उसका तरीका बताने लगी हूँ। मैंने सादा पजामे की कटिंग पहले से कर ली है और पाँचे के नीचे जो है कपड़ा लगाना है, उसकी चौड़ाई मैंने 4.5 इंच रखी है। चारों पीसों को ऐसे रखते हुए हमने 2.5 इंच का कट तैयार करना है। 1/2 इंच नीचे सिलाई का मार्जिन जाएगा तो 3 इंच पर हम निशान लगा लेंगे कुछ। अब यहाँ से हम 1/2 इंच का मार्जिन ऐसे निशान लगाते हुए इसको जस्ट इस तरह करते हुए ये निशान ड्रा कर लेते हैं और उस निशान के साथ साथ बिल्कुल हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद इसकी लुक जो है वो कुछ इस तरह से है। चारों पीसेस की वो पाइचा हम मशीन के साथ ऐसे रखेंगे। बराबर में हम जो हमने नीचे लगाने के लिए कपड़ा रखा है उसको बराबर रखते हुए 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए यहाँ सिलाई लगाएंगे। कोने को अच्छे से निकालने के लिए यहाँ मैं एक ट्रिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस कपड़े को हटा के साइड पे इस तरह इस धागे के एक सिरे को इस तरफ को रखते हुए यहाँ इसको ऐसे एडजस्ट कर देंगे। जस्ट एक टांका इस धागे के ऊपर से गुजार के कपड़े को इस तरफ को करते हुए अब इस धागे को दोबारा से हमने इधर की तरफ को कर देना है। इस तरफ को अच्छे से फिर इस जो हमने कट लगाया था इसको ऐसे बराबर करते हुए यहाँ 0.2 के हिसाब से सिलाई लगा देंगे। सिलाई अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारी लग चुकी और अब इस कट के अंदर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। हम इस तरह करते हुए पलट देंगे। हमारे कट की लुक जो है कुछ इस तरह से है। ये देखिए, कोने हमारे जो हैं वो अच्छे से बाहर नहीं आए, तो उसके लिए हम इन धागों को हल्का सा खींचेंगे ऐसे। हल्का सा खींचने से कट कोने हमारे माशाल्लाह से बहुत अच्छे निकला है। कोने को सेट करने के बाद धागे को ऐसे करके आप निकाल दें इसमें से। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह गाइस, प्रेस होने के बाद हमारे कट की लुक जो है वो कुछ इस तरह से है। और यहाँ से मैंने 1/2 इंच का कपड़ा जो फोल्डिंग करना था वो भी मैंने प्रेस से फोल्ड कर दिया है। इन दोनों सिरों को पकड़ेंगे। इन दोनों सिरों को पकड़ते हुए यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। पाँचे के नीचे लगाई जाने वाली इस पट्टी ने जहाँ तक पलट के आना होता है वहाँ तक हमने ये वाली सिलाई जो है सीधी लेके जानी है, ताकि जब ये पट्टी पलट के बैक साइड की तरफ जाए तो यहाँ कोई किसी किस्म का कोई झोल ना आए। तो इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन है 3.5 इंच, तो 3.5 इंच तक हम सिलाई को सीधे लेके जाएंगे तकरीबन यहाँ तक। साइड की ये वाली पाइचे की बंद करने की सिलाई लगने के बाद अब इस कपड़े को हम जो है इस तरह पलटेंगे। इस सिलाई को इस तरह करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह गाइस, आप देख सकते हैं हमारा पाइचा जो है वो बहुत प्यारा सा पीछे की तरफ को पलट गया। इस साइड से भी देख लें और इस साइड से भी इसकी लुक देख लें। अब हमने सिंपल यहाँ आप तुरपाई भी कर सकते हैं और सिलाई भी लगा सकते हैं, तो मैंने इस पर सिलाई लगानी है।
सिलाई को सिलाई के ऊपर रखते हुए हम यहाँ से सिलाई को शुरू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारा पाइंचा जो है मुकम्मल हो चुका। अब इस कट के इस हिस्से पे लगाने के लिए हम छोटी सी बो तैयार करते हैं। हमारी बो माशाल्लाह से दोनों तैयार हो चुकी और ये हमारे कट की लुक है। और इन बोस के ऊपर लगाने के लिए मैंने ये छोटे छोटे बीट्स लिए हैं जो हम यहाँ लगाएंगे। गाइस अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको वक्त पे मिल सके। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह गाइस हमारा बहुत ही प्यारा सा सादा पजामा जो है वो कट वाला तैयार हो चुका है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पे आने के लिए, मुझे सुनने के लिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।